होली पे भजन कर दो अरुण जी तो एक्चुअली सो ब्लेस्ड सो टैलेंटेड सर की आवाज सुनिए सर आई रिक्वेस्ट सर प्लीज ज्वाइन मी सर बैंगलोर से हमारे कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर सुधीर सर आए हुए हैं उन्होंने कन्नड़ एक फिल्म रिलीज के अभी हिंदी शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी पंकज कपूर जी को हमने आज साइन भी कर लिया है तो इस फिल्म के लिए एक्टर भी सिंगर्स भी मिल रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी है तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज हमारे बीच आए प्लीज और तनिषा प्लीज प्लीज शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी पंकज कपूर जी को हमने आज साइन भी कर लिया है तो इस फिल्म के लिए एक्टर भी सिंगर्स भी मिल रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी है तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज हमारे बीच आए प्लीज और तनिषा प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट जो है प्लीज कम इज ऑलरेडी देयर तो डीजे भाई आपने माहौल बन गया है तो मैं चाहूंगा कि आप एक भजन ही गा दें आशीष चंद्र शास्त्री की आवाज में प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के लिए प्लीज कुछ सुना दीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम तब हो जाता है जब अरुण जी जैसे टैलेंटेड और तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है और नर्वस हो जाते हैं क्योंकि जब हम म्यूजिक कर रहे होते हैं तो फिर हम बता सकते हैं कि अरुण जी आप थोड़ा ऐसा गा लीजिए या थोड़ा सा लेकिन अभी गा के कैसे बताएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है एक लाइन हिमांशु भाई आपके लिए गाता हूँ जहाँ से मेरा करियर पूरा शुरू हुआ डीजे शहजोद कैसे बने वो एक पहली लाइन थी हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए कोई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए न लेकर आए तुम बर्मा की गलियों में फिरते और हम देहरादून तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है मेरे पिया गए रंगों ने वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती तो एक सफर था और उसमें बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स के साथ बहुत ही कह सकते हैं कि ब्लेस्ड इंडिया इज द ब्लेस्ड कंट्री चाहे कितना टैलेंट बस एक ही चीज की कमी है कि प्रमोशंस नहीं टैलेंट है उसको प्रमोशंस नहीं मिलते अगर यही सब हॉलीवुड में होता तो अरुण जी के पहले गाने के बाद इनको कई